हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल? आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे माइनक्राफ्ट एक न्यू वीडियो में। गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग खेल रहे हैं फायर एमसी में, जो PhD1 का सर्वर है और वो है लापता SMP मेंबर, जो अच्छा खेलते भी है, अच्छी वी भी करते हैं और उनका सर्वर भी बहुत अच्छा है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम खेलने वाले सर्वर के अंदर, मैं बहुत टाइम से अभी सर्वर में खेल भी रहा हूँ एंड गाइस, मैंने इस सर्वर पर बहुत ज़्यादा लाइव स्ट्रीम भी करके रखी है। तो उससे आप जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर मेरे लाइस्ट दिखते हैं उनको भी पता होगा कि मेरे दोस्त भी है, बट उन लोगों ने यार मेरे साथ स्कैम कर लिया और साथ साथ मेरा पूरा अंबानी का आर्मर भी ले लिया उन लोगों ने स्कैम करके, जिस वजह से अभी मैं हो चुका हूँ एकदम नल्ला बेरोज़गार। तो उन लोगों से बदला लेने के लिए मुझे चाहिए होगा बहुत अच्छा सा आर्मर, और अच्छा आर्मर बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा विलेजर, तो विलेजर रखने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा बेस। तो चलो मैं चलता हूँ एक RTP करके एक अच्छी सी लोकेशन पे और मैं डायरेक्ट आपको मैं मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैं अपने दूसरे अकाउंट से भी लॉगिन आ चुका हूँ और इसमें मैंने अपना सारा सामान ले लिया था और भाई सब इसमें 37K रुपीज़ भी है। ऐसा करता हूँ मैं अपने दूसरे अकाउंट में इसको अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो 30,000, चलो मैंने अपना ट्रांसफ़र कर दिया है पैसे सारे दूसरे अकाउंट, अपने जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा वो दूसरा अकाउंट इधर लॉगिंग है। तो अभी इसमें दिखा देता हूँ मेरा सारा का सारा सामान इस अकाउंट में मैं रखता हूँ अभी, क्योंकि मुझे डर है कि यार कोई चोरी मेरा अकाउंट हैक कर सकता है मेरा जो मैं, क्योंकि मुझे मैंने अपने दोस्तों को इसका पासवर्ड दे के रखा था कि 3-4 पासवर्ड थे मेरे अकाउंट के जो हर बार मैं चेंज करता रहता हूँ। मुझे क्या पता कि वो कभी भी मेरा अकाउंट पासवर्ड क्रैक करके अकाउंट हैक कर सकते, इसलिए मैं अपना सारा सामान यहाँ पर ही रखता हूँ। तो फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारा बेस बन के रेडी हो चुका है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने बेस बना के अपना रेडी कर दिया है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अंडरग्राउंड था वहाँ पे बेस बनाने वाला था और अचानक मैंने यहाँ पे क्यों बना दिया। तो उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं जब बेस बना लिया मैंने अपना पूरा का पूरा, और बाद में मैंने डिप्लोमा एडिट जब करने के लिए जा रहा था तब मुझे पता चला कि मेरे 5 ब्लॉक बाजू में माइन करते ही डायरेक्ट वहाँ पे एक विलेज एक बेस था। तो मैंने वो बेस थोड़ा लूट लिया और वहाँ से डायरेक्ट रफू चक्कर हो गया, तो अपना एक बेस यहाँ पे हवा में बना लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा अपना XP फार्म है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉब आ चुके हैं, इसलिए यार पूरा लेग कर रहा है मेरा PC भी थोड़ा थोड़ा, इसको मार देता हूँ। बहुत ज़्यादा इधर मॉब आ चुके थे भाई साहब, अरे कहाँ पे गया स्लैब, किधर गया? एक सेकेंड। ओके चलो मिल चुका है स्लैब हमें और इधर रख दिया। ओके एंड मैं अपना आपको सामान दिखा दे, इतना भी है सामान और मेरे इस चेस के अंदर इस सल क्यों नाम नहीं दिख रहा, इस सल्कर बॉक्स के अंदर मेरा पूरा सामान है देख सकते हो। विलेजर तो अभी तक मैंने वो विलेजर लगाया नहीं, स्पॉनर विलेजर का एक मैंने अभी तक लगाया नहीं, क्योंकि इस बेस पे मैं अपना विलेजर का नहीं बनाने वाला और किसी और बेस में अभी बनाने वाला हूँ। इसको भी रख देता हूँ वरना चोरी हो जाएगी। हाँ तो और देख सकते हो मेरा यहाँ पे शुगर केन फार्म है, इतना बड़ा है अभी और अभी तो बन रहा है हमारा शुगर केन का फार्म, और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा फार्म का एक छोटा सा हिस्सा है, इससे भी 4-5 गुना अभी बड़ा बनाने वाला हो और हम लोग इस पूरे फार्म को हार्वेस्ट करेंगे तब ऑलमोस्ट हमें फायर लैग तो मिल ही जाना चाहिए, इतना तो इतना बड़ा फार्म बनाने वाले हैं। और मेरा एक टीममेट भी है और पॉकेट डिफेंस है, और मैंने उसके साथ टीमअप कर लिया था, वो बहुत अच्छा बंदा है इसलिए, तो मैंने वो अभी उसने स्टार्ट ही किया था फार्म से मैं खेलना, तो मैंने उसके साथ टीमअप कर लिया और वो अभी ऑफलाइन है। और मैंने इस यहाँ पे देख पा रहे बंदा है वो मेरा दूसरा अकाउंट है, उसको मैंने FK के लिए रख दिया है। तो बस गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नए और मज़ेदार वीडियो में। और आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन और प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।